आपको ना थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसको उधर, इसका मुंह उधर अपनी तरफ कर लेगा तू प्लीज। आई थिंक वी शुड नॉट ओपन दिस। अरे अरे अरे, ओह माय गॉड, गंदी सुस्तू की स्मेल। अपेरेंटली एक बहुत ही मेडिसिनल ड्रिंक बना। गट्टू नहीं पीते गट्टू। 3, 2, 1, पी जाओ ना। हाय गाइस, यार आज के वीडियो के लिए हमें एक्साइटमेंट से ज्यादा ना घबराहट हो रही है। लुप लुप हो रहा है क्योंकि आज हम ट्राई करने वाले हैं स्नेक वाइन। या सो 5 पॉइंट्स टू स्लिदरिन। स्पेशली आप लोगों की वजह से हमने स्नेक वाइन मंगाया है और आज हम वो ट्राई करने वाले हैं। स्नेक वाइन ना बेसिकली एक्चुअल सांप होता है बोतल के अंदर। राइस वाइन के अंदर सांप को रखा जाता है और सांप की प्रॉपर्टीज वाइन की प्रॉपर्टीज के साथ मिलके अपेरेंटली एक बहुत ही मेडिसिनल ड्रिंक बनाता है। बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम समवन हु इज वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स। शट अप। अपेरेंटली दिस हेल्प्स इन गिविंग मोर स्टैमिना टू मेन। ये मैंने सुना है। ये तो इससे रिलेटेड जितनी बातें होती हैं ये सुन लेता, पढ़ लेता, रिसर्च करता रहता। काफी लोगों ने ट्राई किया है, इंटरनेट पे इसका काफी कंटेंट है। लेट्स सी कि उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ओह मैन, आई जस्ट विप्ड इट। उल्टी कर दी पहले सूंघ के। सिर्फ सूंघ के। ये दिया इसने हमारे ऐसा रिएक्शन। जितना एक्साइटेड था मैं इस वीडियो के लिए उतना ही सब मेरी झाग बैठ गई है। इसने और बुरा कर दिया तो आई डोंट नो, बट ठीक है। लेट्स गेट द स्नेक वाइन, लेट्स ट्राई इट। We got this. ये पहले तो ये बताओ, ये रामदेव का वो जो एलोवेरा वाला वो सिरप आता है बोतल, उसकी पैकेजिंग नहीं लग रही। यहाँ से देख के इतना डर लग रहा है, इतनी घबराहट हो रही है। लोगों को ये सब नहीं दिखाते, ये देखो। हाँ, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात रहती है। हमने स्पेशली इसके लिए रिसर्च किया क्योंकि इस वाइन के अंदर स्नेक होता है, तो क्या ये पॉइजनस होती है। एटलीस्ट ये कहा गया है कि ये पॉइजनस नहीं होती क्योंकि जो राइस वाइन है उसका अल्कोहल कंटेंट सारे पॉइजन को मार देता है। यार मैं ना सांप को ना वीडियो में भी नहीं देख सकती। एंड टुडे वी हैव नॉट लाइव बट वी हैव स्नेक। फेस योर फियर का एपिसोड 2 है ये। मुझे देख रहा है। ओह माय गॉड, तुझे देखते थे। ओह माय गॉड, अरे पैरेट स्नेक ही डाला है इसके अंदर। अगर ये हमने दिखाई तो द ओनली प्रॉब्लम इज कि यूट्यूब हमारे वीडियो को हो सकता है डीलिस्ट कर दे। या एंड आई डोंट वांट दैट बिकॉज हमने एक तो पी एफर्ट डाले, एडिट कराई, उसके बाद उसने डीलिस्ट कर दी। इसको उधर, इसका मुंह उधर अपनी तरफ कर लेगा तू प्लीज। आपको ना थोड़ा सा दिखा देते हैं नीचे से, शक्ल नहीं दिखा रहे इसकी। तो कभी कभार ना स्नेक्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं और 3-3 महीने बाद जब आप ये बॉटल खोलो एकदम बाहर निकल के बोलते हैं धप्पा। तो आज आपको अंतिल भाई एकदम बोतल खोल के दिखाएंगे। मैं बोतल खोल के भाग लूंगा। क्या पता थोड़ा तो टाइम लगता होगा ना, इतने दिन से सोया हुआ अंगड़ाई तो लेगा ऐसा। आई थिंक वी शुड नॉट ओपन दिस। अरे ये तो बाबला सांप है, पैरेट स्नेक होते ही नहीं पॉइजनस। गाइस तो उसमें ट्रांसलेट करा हमने इसके ऊपर जो लिखा हुआ है एंड उसमें पता लगा हमें कि इसको वाटर में डाइल्यूट करके पीना है, 50-50% का रेशियो रखना है। एक सेकंड मैं ढक्कन खोल रहा हूं। मरा हुआ है वो। हम 2 मिनट के लिए वेट करना चाहेंगे कि वाकई अगर ये सांप सो रहा होगा तो हिला के जगाना चाहता है। जगा रहा हूं। सांप ना आ जाए बाहर यार। बस ये तो ये हरा सांप है, तो सूसू लग रहा है। हरा सांप है तो हरी वाइन निकली है। Do you wanna smell it first? Wait. इसको वैसे स्मेल करें। ये वैसे तो माउंटेन ड्यू जैसी लग रही है। वैसे नॉर्मल अपने दारू जैसी लग रही है यार, एकदम इथेनॉल इथेनॉल। पहले तो आती है अल्कोहल की स्मेल, फिर आती है गंदी सुस्तू की स्मेल। देखो जस्ट फॉर सेफ्टी, देखो दोस्तों हमने पानी और कोक भी रखी है, बिकॉज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। नहीं, आई एम गुड, आई हैव बहुत गंदी स्मेल है। ये ले, डाइल्यूट कर ले, ऐसे मत पियो, दे मैं पूरा कर दूं डाइल्यूट। एक सेकंड, ऐसा बोलते हैं कि इसको शॉट, एक शॉट में पीना है, बट हम शॉट एक सिप सिप करके नहीं पिएंगे। तू पी सिप सिप करके, मेरे को नहीं भुगतना, चल चल। अरे अरे अरे, ओह माय गॉड, वी नीड टू मेक अनदर पैक एंड फटाफट से पीना पड़ेगा। मैं इसके अंदर सांप जिंदा हो रहा है। ऐसा होता है क्या, एकदम निकाल के पी लो।
नहीं गट्टू नहीं, गट्टू नहीं पीते गट्टू। 3, 2, 1 पी जाओ ना गट्टू। Oh my god. अच्छा मैं डरवा नहीं निकाल दी। Definitely इसके अंदर वियतनामीज के ना जितने भी herbs वगैरह नहीं होते, ये सीवीड वगैरह और वो सब भी डला हुआ है, क्योंकि पहले मीठा मीठा उसका टेस्ट आ रहा है अल्कोहल का। हाँ। वो पता नहीं मीठा, आई होप अल्कोहल का टेस्ट हो, बट उसके अलावा वो herbs वगैरह भी आ रही है। जो नीरज और मैंने वियतनामी स्नैक्स ही ट्राई किए थे उसके खाने में जो हल्का हल्का टेस्ट आ रहा था ना वो भी है। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि द ओनली गुड पार्ट अबाउट दिस इज कि मुझे दोबारा नहीं पीनी है, ठीक है? और अब वीडियो में इसके बाद से मैं खुश दिखूंगा। तेरे जीप पे और ऊपर हल्की हल्की जलन हो रही है, मेरे अंदर हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने ना एक्चुअली बॉडी जीप पे रखने नहीं दिया, मैंने सीधा एकदम घूट दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, थोड़ा सा जीप के नीचे चला गया और उसकी वजह से आई एंडेड अप डूइंग दिस। क्या मेरे वो ऐसे डिजाइन आएगा अब यहाँ पे, वो जो नागिन में होता है? टेस्ट इतना खास कोई बुरा नहीं है। हाँ। बट इतना अच्छा भी नहीं। इट्स अबाउट व्हाट्स इन योर हेड बेसिकली आई थिंक, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि ये तो नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने जो हमेशा से सोचा हुआ ना कि हम हर चीज ट्राई करेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें इंटिमिडेट करेंगी, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। आज हमने वही स्टेप एक बार फिर से ले लिया। स्मेल वॉज वेरी बैड, बट जब पहला सिप मुंह में गया और यहाँ तक जब आया तब थोड़ा ऐसा लगा गंदा, बट लेकिन इतना आई थिंक दिस वाज द हर्ब्स और मे बी पैरट स्नेक का कमाल। बट व्हेनेवर आई विल विजिट वियतनाम, मैं एक बार फिर से ये ट्राई करना चाहूंगा विद समवन लोकल। मैं तो नहीं करूंगा, मैं वियतनाम जाऊंगा। वियतनाम में मैंने सुना सबसे सस्ती बियर मिलती है। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है डाइल्यूट बिफोर कंज्यूमिंग। वी हैव दिस कोक, इसके डाइल्यूट करके देखते हैं कैसा बनता है ये। लेट्स डू दिस। हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लेंगे क्योंकि नीरज ने तो पिछली वाली तो सारी निकाल ही दी है। अब भी बोला मैंने मैं दोबारा कभी ट्राई नहीं करूंगा। दोबारा बदबू आ रही है। इतनी सी थी, बाकी सारी कोक थी। मैं नहीं पी रही गट्टू ये। चल जल्दी भी चल। मुझे ना बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ यार। कैसी लगी? मुझे ब्रश करना। नो 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 चिज्जी। चल अब बता देगा सबको हमें अच्छी लग रही है। क्यों? मेन प्रॉब्लम हमें टेस्ट से नहीं है, मेन प्रॉब्लम आफ्टर टेस्ट है। वो हिट करते तो एकदम ऐसा लगता है कि एसीटोन 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 ऐसा लग रहा है, वो लग रहा है सांप वाप आ गया। मेरा बचपन से बहुत मन करता था इच्छाधारी नाग बनने का। मैं जितनी भी कहानी सुनता था ना, मेरा मन करता था कितनी सही लाइफ हो जाए अगर मैं भी इच्छाधारी नाग बन जाऊं। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो अंकल इच्छाधारी नाग बनना चाहता हूं। एक बार एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे कि आपको ये ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। एंड आपके पैलेट के ऊपर है, आप बताना आपको कैसा लगा। गो गिव इट अ ट्राई एंड इफ इन केस यू लाइक इट डू टेल अस। हमें टैग करके बताना कि थैंक्स टू यू जी, आपने बोला और मैंने ट्राई किया। ऑन दैट नोट, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो, शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अर्बन गाइड। ठीक है, जल्दी जल्दी फैमिली ग्रुप पे भेज दो। ठीक है, अरे नहीं यार, अंकल आंटी बोलेंगे हमें कि यार ये क्या सांप वाली शराब पी रहे हैं। नहीं, ये नहीं भेजना। ठीक है, दोस्तों में भेज देना। ओके बाय, दोस्तों में भेज देना और वियतनाम जाना और जरूर ट्राई करना। या डू टैग अस। चलो बाय।